हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास सिक्स हिस्ट्री के चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटी में आपका स्वागत है। अब पुरानी किताबें अगर आप देखेंगे तो यह चैप्टर 4 के नाम से आएगा, बट क्योंकि सिलेबस में चेंजेज आए हैं इसलिए यह चैप्टर 3 है। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह आज से 4000 साल पुराने सिविलाइजेशन के बारे में बताता है। हालांकि यह 4000 साल पुराना वक्त था, मतलब 2000 BC के आसपास का यह पीरियड था, लेकिन इस दौर में जितने भव्य शहर बने, दो फेमस शहर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। शहर बहुत थे बट दो शहर जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको लेकर के पूरी सिविलाइजेशन का नाम पड़ा। ठीक है, ये शहर इतने भव्य थे कि जो यूरोपियन राइटर्स आए जिन्होंने उस जगह की स्टडी की, उन्होंने कहा कि ऐसे शहर साहब क्या कहते हैं 18th century तक यूरोप में नहीं बसे थे जैसे शहर भारत जो है आज से 4000 साल पहले जो है बना चुका था। आइए देखते हैं उन शहरों के बारे में और उस सिविलाइजेशन के बारे में जिसे हम कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, और उसकी क्या खास बात है। हुआ क्या कि लगभग आज से 150 साल पहले सरकार जो है पाकिस्तान में लाहौर के आसपास एक रेलवे ट्रैक बिछाने वाली थी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन सा इलाका है। उस दौर में भारत पाकिस्तान सब सेम ही था, तो जस्ट यहीं पर जो है सरकार को एक रेलवे ट्रैक बिछाना था। ठीक है, तो अचानक से उनको जो है यह न्यूज़ मिली कि साहब इसी जगह से दूर जो है थोड़ा सा ईंटों का एक ढेर पड़ा हुआ है, कुछ ज़मीन के अंदर से काफ़ी सारी ईंटें वहाँ पड़ी हुई हैं, तो हम लोग चाहें, जो उनके इंजीनियर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि चाहें तो हम लोग ज़मीन के अंदर से ईंटें निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि जो है उन लोगों को बिल्डिंग बनानी थी, तो लोगों ने सजेस्ट किया कि साहब ज़मीन के अंदर काफ़ी सारी ईंटें दबी पड़ी है, तो हम लोग जो है वो ऑलरेडी वहाँ से ईंटें निकाल करके अपने घर वर बनाते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से भी ईंटें निकाल करके आप अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बाद में अंग्रेज़ लोग जो है उस जगह की खुदाई करना शुरू किए, तो उनको पता चला कि साहब यहाँ तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन दबी पड़ी है और लोग जो है वहाँ के ईंटें चोरी करके अपना घर और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें बना रहे थे, और इस तरह से ज़मीन के अंदर इस सिविलाइजेशन के कई सारे बिल्डिंग्स को तो उन्होंने क्यों ही बर्बाद कर दिया था, जबकि उनको पता भी नहीं था ये चीज़ें कितनी पुरानी हो सकती हैं। ठीक है, उसके काफ़ी समय बाद जो है इस जगह की ब्रॉड लेवल पे खुदाई होनी शुरू हुई। ठीक है, तो हड़प्पा शहर जो है इसका नाम जरूर यूज़ होता है, बट हकीकत यह है हड़प्पा शहर ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका था, क्योंकि इतनी ईंटें चोरी हुई थी, कुछ जो है गांव के लोग उठा ले गए, कुछ ठेकेदारों ने निकाल लिया, तो ये शहर बर्बाद ही हो गया ऑलमोस्ट। बट याद रखिए जो नाम आता है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही आता है। ठीक, क्योंकि पहला शहर हड़प्पा मिला था, लेकिन उसके बाद जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट शहर बना मिला मोहनजोदाड़ो, उसने पूरा का पूरा इतिहास का स्ट्रक्चर बदल के रख दिया, क्योंकि लोग ये मानते थे भारत की कहानी जो है वो जो है 6th century BC के आसपास थी। ठीक है, लेकिन यह जो है इंडियन हिस्ट्री को और जो है 2000 साल पीछे खींच ले गया और 4700 ईयर्स पीछे तक लेकर के चला जाता है। दूसरा जो फेमस शहर है वो है मोहनजोदाड़ो। एक बार जो है इन जगहों को हम मैप पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये शहर कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो नंबर 1 दैट इज़ हड़प्पा। ठीक है, ये जो शहर है जब भी आपको लोकेट करने को कहेगा तो नंबर 1 आपका हड़प्पा, याद रखिएगा मैप पे जो है ये 12th के मैप से उठाया हुआ है, लेकिन आपका काम चल जाएगा। जब भी हड़प्पा लोकेट करने को कहेगा याद रखिए इंडिया के भीतर लोकेट मत कीजिएगा। ये 9 नंबर भारत से ही बाहर ये जो है आपका मोहनजोदाड़ो हो गया। ठीक है, 1 नंबर हड़प्पा, 2 नंबर मोहनजोदाड़ो। तीसरा जो शहर है इसमें अभी आपको आगे मिलेगा वह लोथल। ठीक, ये तीसरा इम्पॉर्टेंट शहर है जिसको आपको पढ़ना है, और चौथा इम्पॉर्टेंट शहर ये हो गया धोलावीरा, जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, ये 4 शहरों का रेफरेंस है। शहर बहुत सारे थे जैसा कि हमने देखा, लेकिन जो है बेसिकली हमको 4 शहर पढ़ने हैं इस आपके लिए। 12th वालों के सिलेबस चूँकि हाई है, उनके यहाँ और शहर है, रिसर्च में जाओगे और ज़्यादा शहर मिलेंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और धोलावीरा। ठीक है, ये 4 शहर हमको पढ़ने हैं। तो मैप आपका हो गया, आगे चलते हैं सिलेबस पे। अब जो है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। दरअसल ये जो शहर थे अपने आप में शानदार थे, मतलब उनके कई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो बाकी लोगों से, बाकी शहरों से एकदम अलग थी, और वैसे शहर बाद में भी जो है 18th-19th century तक नहीं बन पाए। क्या क्या खास बात थी, तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है शहर दो पार्ट में डिवाइडेड थे।
ठीक है, एक पार्ट जो कि वेस्ट में था, जो कि स्मॉल था लेकिन काफ़ी ऊंचाई पे बसा था, चूँकि रिवर के किनारे के इलाके हैं तो इस कारण जो है रिवर के फ्लड का खतरा था। तो जो वेस्टर्न पार्ट था वो थोड़ा सा ऊंचाई पे बनाया गया था लेकिन छोटा था, इसको सिटीडल कहा गया। ठीक है, जो ईस्टर्न साइड है वो लोअर था लेकिन काफ़ी बड़ा था और मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है इसी इलाके पे रह रही थी। ठीक है, एक बार फिर से इसको एक इमेज के तौर पे हम देखने की कोशिश करते हैं। आप अगर ये पिक्चर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका सिटीडल एरिया हो गया। ठीक है, ऊंचाई पे है, अगेन यहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत कम है। दूसरी ओर यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली लोअर साइड है, ये ईस्टर्न डायरेक्शन में है, ये वेस्टर्न डायरेक्शन में है। पिक्चर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो जो सेटलमेंट है वो कितना कॉम्प्लेक्स है ऊपर की ओर। ठीक है, ये एकदम बेहद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है थोड़ा, और नीचे की ओर जो सेटलमेंट है वो आपको काफ़ी दूर दूर दिख रहा है, काफ़ी स्पेशियस दिख रहा है। तो ये हो गया सिटीडल, ठीक है, और ये हो गया लोअर टाउन। ठीक, तो ये हो गया हड़प्पा शहर के स्ट्रक्चर। एक और चीज़ थी कि दोनों ही एरिया को इन्होंने जो है बाउंड्री से कवर किया था। आप यहाँ से बाउंड्री लाइन देख सकते हो, पूरा शहर जो है फोर्टिफाइड था ताकि जो है बाहर के अटैक्स या इस तरह की चीज़ें हों तो उससे जो है शहर को सुरक्षा मिल जाए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे वही बात आई कि शहरों को जो है पूरे पके हुए ईंटों से जो है कवर अप कर दिया गया था ताकि जो है शहर को नुकसान ना पहुँचे, और इसी तरह से ये हज़ारों साल तक रह गए। जो भी ब्रिक्स थे वो इंटरलॉक पैटर्न पे थे जिसके कारण मजबूत थे, ऐसा नहीं था कि एक एक ईंटा जो है ऐसे ऐसे करके रख दिया। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये बिल्डिंग इतनी मजबूत नहीं होती। ठीक, बिल्डिंग मजबूत, इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है, ईंटें जो है कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ईंटें जो होते हैं वो ज़्यादा मजबूत दीवार बनती है। ठीक है, तो ये इंटरलॉक पैटर्न है कि कोई भी पैटर्न जो है वो ईंटों का जो पैटर्न है वो एक दूसरे को पकड़ करके चलता है। ठीक है, ये इंटरलॉकिंग होती है, तो इसके कारण जो है दीवारें काफ़ी मजबूत थी और बेहद स्ट्रॉन्ग जो है थी, तभी जो था ये साथ 4000 साल बच गया था। ठीक, जो सिटीडेल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जो है यहाँ पर एलीट क्लास रहता था, जो रिच और पावरफुल लोग थे वो इस सिटीडेल एरिया में रहते थे। इसके अंदर कई शानदार इमारतें थी जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है वो एक खास तरह का वाटर टैंक रहा है जिसको उन्होंने ग्रेट बाथ कहा है। ठीक, यह ग्रेट बाथ जो है इसके चारों ओर ईंटों से बने जो है कमरे थे। ठीक, और ये जो है पूरी तरह से पकी हुई ईंटों से बना था, और ईंटें भी ऐसे थे जो वाटर टाइट लेवर से कवर अप करके रखा गया था ताकि पानी बिल्कुल भी जो है वो मिस ना हो। एक बार जो है इसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है यही स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बीच में वाटर टैंक है, किनारे आपको ढेर सारे कमरे देख सकते हैं। ठीक, ये बाहर से पानी लाने के लिए। ठीक है, एडिशनली कुछ बड़े बड़े रूम आसपास। ठीक, अगर एक्चुअल में देखें तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, आप देख सकते हो दोनों साइड से जो है, सॉरी हाँ गलत कर दिया, दोनों साइड से उतरने के लिए अंदर सीढ़ियाँ थी, साइड में आपको कमरे अगेन दिख रहे हैं। ठीक है, जो भी ईंटें यूज़ हुए हैं वो वाटर टाइट रहे हैं कि किसी भी हाल में अगर पानी इसमें डाल दिया गया तो पानी यहाँ से लीक ना हो पाए। एडिशनली साइड में उन्होंने एक ड्रेन्स बना के रखी थी और ड्रेन को भी लॉक करके रखा था कि जरूरत पड़ी अगर पानी निकालना है तो ड्रेन की ईंट हटा दी तो सारा पानी जो है बाहर निकल गया। ठीक है, और लॉक कर दिया तो पानी स्टॉक रह गया। तो ये उस दौर की अपने आप में एक शानदार इमारत थी उस दौर के हिसाब से, आज के दौर में जिसको हम स्विमिंग पूल कहते हैं, तो कुछ हद तक जो है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था जो कि उस ज़माने के हिसाब से काफ़ी शानदार थी। पानी कहाँ से आता था, सीधी सी बात है, इतना बड़ा अगर टैंक बनाया है तो पानी भी आएगा। तो बगल में जो है उन्होंने कई सारे वेल बना के रखे थे, एक बड़ा वेल था जो कि जो इसके लिए यूज़ होता था, साइड में कुछ छोटे छोटे जो बाथरूम भी थे जो कि माना जाता है जो उस दौर के जो पृष्ठ लोग रहे होंगे शायद वो जो है यूज़ करते होंगे। दो और फेमस शहर रहे हैं, कालीबंगा और लोथल, वहाँ पर फायर अल्टर्स मिले हैं। ठीक, जहाँ पर जो है अलग अलग तरह के सैक्रिफाइजेज़ होते थे। पुराने दौर में जो है लोग अंधविश्वासी थे, माना जाता था कि बलि देने से जो है भगवान की कृपा होगी, तो इसके कारण जो फायर अल्टर्स मिले हुए हैं। इसी तरह से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये जो है इम्पोर्टेंट शहर हैं जहाँ पर बड़े बड़े स्टोर हाउस मिले हैं। वजह क्या था, ये बहुत बड़े बड़े ट्रेड शहर थे। ठीक है, तो बहुत जब ट्रेड सिटी थे तो सामान खरीद बिक्री थी, सामान जब खरीद बिक्री होगी तो सामान को रखने की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे स्टोर हाउसेज बनाए थे। ठीक, यहाँ पर उसी वाटर टैंक की बात जो कही जा रही थी ये उसी की जो है पिक्चर है।
हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। हड़प्पन शहरों के जो घर थे वो जो है टू स्टोरी बिल्डिंग थी, मतलब उस ज़माने में भी जो है मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग जो है उन्होंने बनानी शुरू कर दी थी। तो वन और टू स्टोरी की बिल्डिंग होती थी और हर एक जो है उसके अंदर कई सारे कमरे होते थे और एक कोर्टयार्ड होता था। ठीक, हर एक घर के पास खुद का जो है एक बाथरूम होता था और वाटर सप्लाई एरिया के लिए एक जो है वेल होता था। ठीक, हर एक घर में जो है आप ड्रेन्स होते थे सड़कों पर, घर से जो बाहर निकालने गंदा पानी निकालने के लिए ड्रेन्स बनाए गए थे और ड्रेन्स को कवर किया गया था ताकि बाहर की धूल मिट्टी जो है नालियों में ना जाए। सोच के देखिए कितना कुछ सोचता समझा था। ठीक है, सड़कें एकदम स्ट्रेट हुआ करती थी। ठीक है, पहले उन्होंने सड़क बनाई और फिर सड़क के किनारे जो है लोगों को घर बनाने को बोला कि साहब सड़कों के किनारे आप घर बनाइए, और ठीक शहर सड़क के बीच में नाली होती थी जिसको वो पूरी तरह से कवर कर देते थे और हर घर का जो वेस्ट पाइप पानी है वो इसमें चला जाता था। ठीक है, घरों की जो नालियाँ थी वो छोटी छोटी नालियाँ वो गलियों में जाती थी, गलियों से जो है बड़ी नाली में जाती थी और इस तरह से सारा गंदा पानी जो है वो बाहर निकल जाता था। एक और चीज़, ऐसा नहीं था घर का जो पानी था वो सीधे बड़ी नाली में चला जाए। घर का जो गंदा पानी है पहले एक छोटे से टैंक में कलेक्ट करते थे और उसके बाद जो पानी है फिर वो बड़ी नाली में जाता था। ऐसा क्यों था? इससे क्या फ़ायदा था कि जो भी जो भारी गंदगी है, मीन्स मिट्टी हो गया, बाकी जो गंदगी होगी, वो इस टैंक में अटक जाती थी। ठीक है, और जो बड़ी नाली में जो पानी जाता था वो साफ पानी होता था ताकि ये नाली कभी ब्लॉक ना हो। तो सोचो उस दौर में कितना कुछ उन्होंने प्लान करके रखा था कि नाली में भी अगर पानी जा रहा है तो साफ क्वालिटी का पानी जाए, वो गंदा ना हो। ठीक है, तो उस दौर के हिसाब से जो हाउसेज ड्रेन्स और स्ट्रीट जो है वो काफ़ी कुछ प्लानिंग करके बनाए गए थे जो है, जो कि उस दौर के हिसाब से एक बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि इस तरह की चीज़ें दुनिया के किसी और सिविलाइजेशन में नहीं मिलती। आप देख सकते हो यहाँ पर घर जो है दोनों ओर लाइन से बने हुए हैं, घर टू फ्लोर के हैं, यहाँ पर आपको सड़कें दिख रही है और बीच में आपको ड्रेन दिख रही है। पिक्चर आपको साफ अगर ना दिख रही हो तो जो है टॉप पर जो थ्री डॉट पर जो है क्लिक करके वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर दीजिएगा। यहाँ पर आप ड्रेन्स देख सकते हो, ड्रेन्स को पूरी तरह से कवर करके रखा गया। सड़कें चौड़ी थी तो आराम से गाड़ियाँ आ जा सकती थी। घर थे तो घर के अंदर सीढ़ियाँ हैं, अंदर कई सारे आपको कमरे दिख रहे हैं। ठीक है, कमरे में जो है ड्रेसिंग रूम है, टॉयलेट है, बाथरूम है, चूँकि यहाँ कुएँ हो गए, बीच में बड़ा सा आंगन हो गया। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है उस दौर में था। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो है अपने वक्त के हिसाब से जितनी भी मॉडर्न सिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सारी चीज़ें जो है उस दौर में उन्होंने उसी समय जो है डेवलप कर लिया था। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही जो है उन सड़कों की नालियों का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर यह नाली का जो खाली है और यहाँ पर आप देख सकते हो कवर किया हुआ है। ठीक है, लाइफ इन द सिटी, जो हड़प्पन सिटी थे अपने दौर के हिसाब से काफ़ी बिजी सिटी थे और जो है आप हर चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग की जाती थी। जो भी शहर की अथॉरिटी थी उन्होंने सबसे पहले शहर का एक मैप बनाया, उसके बाद जो है सड़कें बनाई और उसके बाद से जो है अलाउ किया कि आप दोनों किनारे जो है आप घर बना सकते हो। ठीक, तो एडिशनली जो रूलर्स थे, चूँकि काफ़ी रिच थे, वो दूर दराज के इलाकों में लोगों को भेजते थे कि आप वहाँ जाइए और तरह तरह के सामान लेकर के आइए। स्पेशली क्या था, गोल्ड और सिल्वर जिनके ऑर्नामेंट्स में बनाए जाते थे, बीड्स बनाए जाते थे। स्क्राइबर्स थे जो कि जो है उन काफ़ी कुछ चीज़ें लिखते थे, चूँकि ट्रेड हो रहा है तो राइटिंग वर्क बहुत ज़्यादा था। ठीक है, सील बनाना था कि अगर कोई सामान जा रहा है, ठीक है मान लीजिए आपने जो है एक बोरी सामान भेजनी है आपको, ठीक, तो क्या गारंटी थी कि बैग में से सामान चोरी नहीं होगा? तो लोग करते क्या थे, रस्सी से बांध देते थे और उस पर फिर मिट्टी लगा करके उस पर एक सील लगा देते थे। ये कुछ वैसे ही है जैसे आप प्रिंसिपल के पास आप पहुंचते हो और उनका स्टाम्प लगवाते हो। तो उस दौर में भी जो है स्टाम्प लगवाए जाते थे। ठीक है, अलग अलग तरह के स्टाम्प थे, आपको जो है कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो दिख रहे हैं ये सारे उस दौर के स्टाम्प्स थे। ठीक है, बीच में आपको एक एनिमल दिखेगा, तो नॉर्मली जो है इस एनिमल को बहुत पवित्र मानते थे, शायद इसीलिए जो है उन्होंने एनिमल्स को दिखाया। यहाँ पर उनके स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है, ये ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इनकी सोसाइटी में जो है कई तरह के लोग थे, जिसमें क्राफ्ट वर्कर्स थे जो कि जो है बिजनेसमैन तो थे ही, नेचुरली पीजेंट्स होंगे ही क्योंकि अनाज नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या, तो क्राफ्ट वर्कर्स थे, बिजनेसमैन थे। तो और ये जो है मेन वुमेन दोनों तरह के लोग थे और ये लोग काम जो है घर पे भी करते थे और वर्कशॉप पे भी करते थे।
कुछ लोग ऐसे थे जो दूर दराज के इलाकों में जाते थे और वहाँ से सामान खरीद के लाते थे। यहाँ पर एक पिक्चर दिख रहा है एक कुएं का, जहाँ से वो पानी निकालते थे और अपना काम करते थे। ठीक, यहाँ पर अगेन एक और सील दिख रही है और ये कुछ टॉयज मिले हैं जो कि जो है अलग अलग जानवरों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि उस दौर में इस तरह के जो है जानवर जो है उस दौर में अवेलेबल थे। न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़, जैसे जैसे शहर डेवलप हुए वहाँ पे नए क्राफ्ट वर्क डेवलप होते गए और लोगों ने स्टोन, सेल, मेटल कॉटन, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, इन सबके जो है ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स, टूल्स, ये सब चीज़ें डिज़ाइन करनी शुरू की। कॉपर और ब्रॉन्ज जो है स्पेशली टूल, वेपन और ऑर्नामेंट बनाने में यूज होता था और वेसल्स बनाने में। गोल्ड, सिल्वर के जो है वेसल्स और ऑर्नामेंट्स बनते थे। ठीक है, यहाँ पर जो है उस दौर के कुछ ऑर्नामेंट्स और कुछ टूल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। इसी तरह से बड़े स्टैंडर्ड साइज में कुछ पत्थर मिले हैं। लोग ये मानते हैं कि ये शायद जो है वेट थे। ठीक है, जैसे आज के दौर में वज़न करने के लिए जो किलो और जो है किलो के वेट्स होते हैं, तो माना जाता है चूँकि ये फिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो माना जाता है ये सारे जो है वेट्स हैं जो कि उस दौर में यूज़ होते थे। एक ख़ास तरह का पत्थर होता था चर्ट, इसी पत्थर से जो है ये स्टोन्स, ये जो है मतलब वेट स्टोन बनाए जाते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हड़प्पन्स ने काफ़ी सारे सील्स बनाए, सील्स के पिक्चर्स आपको दिखा दिए हैं। तो सील का बेसिकली काम क्या था, तो जब कभी भी जो सामान भेजते थे तो उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए कि किसी ने सामान में गड़बड़ नहीं किया है, तो उस पर मिट्टी लगा करके वो जो है सील लगा देते थे कि अगर जो है मान लो किसी ने चोरी की है, निकाला है, तो वो सील टूट जाएगी, जो मिट्टी पर निशान बनी है वो निशान टूट जाएगी, और अगर निशान टूटी नहीं है तो इट मीन्स कि सील जो है ठीक ठाक होकर रखिए। आप इंडस सिविलाइजेशन पर काफ़ी सारे जो है एनिमेटेड वीडियोस भी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूं, ताकि आपको जो पूरा स्टोरी है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, इन्होंने जो बड़े शानदार खूबसूरत जो है ब्लैक पॉट्स बनाए, शानदार डिज़ाइनिंग जो है अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, जो भी बहुत सारे खूबसूरत तरीके थे। ठीक है, इसी टाइम जो है कॉटन उगाए जाने लगा, लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में। इस मेहरगढ़ के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, एक बार फिर से जो है मैप में देख लेते हैं मेहरगढ़ कहाँ है। तो अगेन मेहरगढ़ जो है यह पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो फिर से देख सकते हो, लोथल। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो मेन एरिया यही है, बट एक्चुअल में जो इसका एरिया है बहुत ब्रॉड एरिया है। इसमें आप महाराष्ट्र से लेकर के यूपी तक का इलाका जो है और यहाँ बलूचिस्तान अफगानिस्तान तक का इलाका जो है इसमें कवर होता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो 7000 साल पहले जो है कॉटन उगाई गई है। यहाँ पर एक स्टैचू है जो कि माना जाता है कि वहाँ के प्रिस्टली किंग के जो है स्टैचू है, बट वी रियली डोंट नो। आप इसके ड्रेस देखो तो आप देख सकते हो कि उस दौर में भी जो ड्रेसेस होती थी काफ़ी डेकोरेटिव होती थी, जो लोग अपनी दाढ़ी है उसको भी बड़े करेनी से डिज़ाइन करते थे। ठीक, और ज़मीन की जब खुदाई हुई तो कई सारे स्पिंडल वॉल्स और जो है दूसरे टूल्स मिले। एक और यूनिक सी चीज़ मिली, आप फेयांस। फेयांस क्या था, अब फेयांस से बड़ी डेकोरेटिव चीज़ें बनाई जाती। इसमें करते क्या थे, जो बेसिकली सैंड होता है, ठीक है, या क्वार्ट्ज पत्थर के पाउडर बना करके, क्वार्ट्ज बड़ा सॉफ्ट स्टोन होता है, उसका पाउडर बना करके उसमें जो है वो करते क्या थे, गम मिक्स कर देते थे और अलग अलग चीज़ों का शेप दे देते थे। उसके बाद उसको रगड़ करके जो है शाइनी जो है ग्लॉसी लुक आ जाता था और बड़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर बन जाता था। ठीक है, तो उससे डेकोरेटिव आइटम्स बनाए गए, बर्तन बनाए गए, टूल्स बनाए गए। तो इसलिए जो है, और क्योंकि ये टेक्निक बहुत टफ थी, इसीलिए जो है वो बहुत जो है रेयर केस में मिला है और उस दौर के हिसाब से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, बीड्स, बैंगल्स, ईयर रिंग्स और जो छोटे छोटे बर्तन जो है इसी फेयांस के जो है मिले हुए हैं। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें कुछ मिट्टी की मिली हैं, टेराकोटा की, और कुछ फेयांस की मिली हैं। अब इसके बाद जो हड़प्पन सोसाइटी थी, कुछ लोग स्पेशलिस्ट थे, मीन्स हर व्यक्ति जो है एक खास तरह का काम करता है। जैसे आज के सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो टीचर है उसका काम सिर्फ पढ़ाना है, जो डॉक्टर है वो सिर्फ जो है मेडिकल का काम करता है, मतलब लोग पेशेंट देखता है, जो किराना वाला सिर्फ किराने का काम करता है,
मतलब सामान बेचता है, तो वैसे ही इस तरह का स्पेशलाइजेशन उस दौर में भी था। तो हर आदमी एक खास तरह का काम करता था, जैसे कुछ लोग जो है स्टोन कटिंग काम कर रहे थे, कुछ लोग बीड्स को पॉलिश करते थे, कुछ लोग जो है सील कर्व करते थे। तो इस तरह से अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के कामों में इन्वॉल्व थे, और इस तरह का स्पेशलाइजेशन जो है उस सोसाइटी में भी था, जैसा कि हम आज देखते हैं। बट अगेन हम ये नहीं जानते कि ये स्पेशलिस्ट सिर्फ मैन ही थे या वेमेन भी थी। अच्छा, ये लोग रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाते थे? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ये इंटरनेशनल ट्रेड करती थी, सिर्फ भारत से ही सामान नहीं मंगवाती थी जबकि दूसरे कंट्री से भी जो है सामान मंगवाती थी। तो बहुत सारी चीज़ें लोकल अवेलेबल थी, जैसे वुड्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, तो ये आसपास ही मिल जाता था। बट कुछ चीज़ें इनको दूर से मंगवानी होती थी, ठीक है। ऐसे ही कॉटन भी लोकल ही अवेलेबल था, बट कुछ चीज़ें दूर से इनको मंगवानी होती थी, जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, जो इनके इलाके में बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके लिए कहाँ कहाँ से सामान लाते थे? तो कॉपर वो राजस्थान और ओमान से लेके आते थे, ठीक है। ओमान कहाँ पे है एक बार जो है मैप में देख लें, सॉरी, तो ये हो गया ओमान। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंडस सिविलाइजेशन का एरिया है और यहाँ से ये सामान लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर जो है वो एक राजस्थान से ले लिया और ओमान से लेकर के आते थे। इसी तरह से और क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं, ठीक है। टिन जो कि जो है कॉपर में मिला करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था, ब्रॉन्ज जो है बहुत हार्ड जो है मेटल है जिससे कि जो है वेपन्स और टूल्स बनाए जाते हैं। कहाँ से थे? अफ़गानिस्तान और ईरान से, ठीक है। अगेन मैप में देखते हैं, ये हो गया हमारा अफ़गानिस्तान और ये हो गया ईरान। तो आप देख सकते हो कितने दूर दूर ही जो है ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक। आप जो गोल्ड है वो कर्नाटका से आ रहा है, वजह क्या है कि इंडिया में एक ही जगह गोल्ड मिलता है, कर्नाटका में कोलार की माइंस है, तो वहाँ से। और इसी तरह से कुछ प्रेसियस स्टोन जो कि गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आता था। इस तरह से हमको ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है दूर दूर के इलाकों से ट्रैवल करते थे, ठीक है। फिर से एक बार देखने की कोशिश करते हैं किस रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आते थे। तो कॉटन, ग्रेन्स, वुड ये लोकली प्रोड्यूस होता था, कॉपर वो राजस्थान और ओमान से आता था, टिन अफगानिस्तान और ईरान से, गोल्ड कर्नाटका से, और प्रेसियस स्टोन गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आ रहा था। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो है एक बोट का जो पिक्चर है जो ये दिखाता है कि उस ज़माने में लोग किस तरह से बोट से भी जो है दूसरे कंट्री में जाकर के सामान लाते थे। यहाँ पर एक खिलौना जो है बैलगाड़ी है जो ये दिखाता है कि उस दौर में जो ट्रेडिंग होती थी वो या तो जो है बैलगाड़ी से होती होगी या फिर बोट से जो है ये अलग अलग कंट्री में जा कर के सामान वो ले कर के आते होंगे। फूड फॉर द पीपल इन द सिटी, अब सवाल है लोग हैं तो कुछ ना कुछ खाते भी होंगे, ठीक है, खाते होंगे तो एग्रीकल्चर भी करते होंगे। तो जो फार्मर्स थे या हर्डर्स थे ये लोग क्या क्या अनाज खाते पीते थे? तो बेसिकली वीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, लिनसिड, मस्टर्ड, ये जो है फेमस क्रॉप्स थे जो कि ये लोग उगाते थे, ठीक है। कुछ टूल्स मिले हैं, बच्चों के खिलौने मिले हैं प्लाउ के, ठीक है, जिससे पता चलता है कि वो लोग जो है प्लाउ से परिचित थे। इट मीन्स कि खेती में हो सकता है कि वो लोग ये प्लाउ को यूज़ करते होंगे, ठीक है। एडिशनली चूंकि ये इलाका बहुत हैवी रेन वाला इलाका नहीं है तो उन्होंने इरीगेशन की भी टेक्निक्स जो है डेवलप करके रखी थी। कई जगहों पे जो है कैनाल्स बनाए, वाटर रिजर्वायर बनाए ताकि जो है खेतों को सफिशेंट पानी मिल सके, ठीक। अब एडिशनली ये लोग एनिमल भी बहुत बड़ी संख्या में पालते थे, तो इसमें क्या क्या है, कैटल, शिप, गोट और बफैलो, ठीक। अब पॉपुलेशन कहाँ थी? तो उन इलाकों में थी जहाँ पर जो है पानी सफिशेंट अवेलेबल था। एक बार फिर से देख लेते हैं इन चीज़ों को, क्या क्या उगा रहे हैं, वीट, बार्ली, पल्सेस, पी, राइस, सीसम, लिनसिड, मस्टर्ड, इन्होंने जो प्लाउ का यूज़ किया, कैनाल्स यूज़ कर रहे थे, वाटर रिजर्वायर यूज़ कर रहे थे, एडिशनली कैटल, शिप, गोट और बफैलो पालते थे। आगे चलते हैं, ठीक है। इसी तरह से वो कई तरह के फ्रूट्स भी जो है एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि बेर, वो मछलियों की जो है मछली पकड़ते थे, और कई सारे एनिमल्स जैसे कि एंटीलोप तक के जो है हड बोन्स मिले। अच्छा, अब ये पता कैसे चलता है? तो जो एनिमल्स हैं उनके बोन्स मिले हैं जिससे कि पता चलता है वो इन एनिमल्स को पालते थे या इनको खाते थे। इवन कि उनके सील्स पर भी जो है बहुत सारे एनिमल्स के पिक्चर मिले हुए हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं उनके सील्स को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग एनिमल्स के पिक्चर्स आपको देख सकते हैं। अ क्लोजर लुक
टू धोलावीरा गुजरात। ठीक है, तो जो धोलावीरा आपको मैप में ऑलरेडी दिखा दिया है, नहीं होगा तो पीछे जाके एक बार फिर से देख लीजिएगा मैप में। अब ये बाकी जो हड़प्पन शहर थे वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे, ठीक है, एक था सिटेडल और एक था लोअर टाउन, बट जो धोलावीरा है ये तीन पार्ट में है। ये अकेला यूनिक शहर था जिसको तीनों जो है, हालांकि एक और शहर भी है लेकिन ये जो है धोलावीरा ज़्यादा फेमस रहा है क्योंकि यह तीन पार्ट में जो है डिवाइडेड था और इसके जो वॉल्स थे वो स्टोन से बनाए गए थे, बाकी जगहों पे ब्रिक थे, यहाँ स्टोन वॉल्स यूज़ किया गया था। जो भी एंट्रेंस था उसके लिए बड़े बड़े गेट बनाए गए थे जिससे कि लोग रहते थे, जिससे कि आप अंदर एंट्री कर सकते थे। काफ़ी सारा सेटलमेंट था और अंदर जो लोग थे वो कई तरह की सेरेमनीज़, पूजा पाठ या और दूसरी चीज़ें भी करते थे। ठीक है, यहाँ पर जो है कई सारे हड़प्पन स्क्रिप्ट्स के एविडेंसेस मिले हुए हैं जो कि अलग अलग सील्स पे मिले हुए हैं। ठीक, एक और फेमस शहर है वो है लोथल। लोथल क्यों फेमस रहा है? लोथल फेमस रहा इसके डॉकयार्ड के लिए, यह बेसिकली गल्फ ऑफ खंबात में था और होता क्या था कि यहीं से इनका इंटरनेशनल ट्रेड होता था। अब इनका डॉकयार्ड क्या है, यहाँ पर जो है एक पिक्चर दी हुई है आप डॉकयार्ड, इस पिक्चर से शायद आपको कुछ समझ में ना आए कि डॉकयार्ड क्या होता है। तो बेसिकली समंदर से जो शिप आते थे उनको जो है आप समंदरी तूफानों से सेफ रखना बहुत ज़रूरी था, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ये हो गया ओशनिक रूट, ठीक है, और पीछे से नदी आ रही, तो उन्होंने क्या किया, नदी से एक कैनाल निकाला और बीच में एक बड़ा सा जो है एरिया बना के रख दिया ताकि जो शिप आए वो शिप को वो यहाँ ला कर के सेफ कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि समंदर में अगर कहीं तूफान भी आता है तो भी शिप जो है इस इलाके में सेफ रह जाएंगी और तूफान का जो है इस पर जो है असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें पानी कहाँ से आता था, तो पीछे साबरमती नदी आती है उसी नदी का पानी इस डॉकयार्ड में यूज़ करते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि अगर जो है समंदर में इधर से तूफान भी आ रहा है तो भी जो है डॉकयार्ड में जो शिप पड़े हुए हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पन लोग जो है अपने ट्रेड को लेकर के किस हद तक कॉन्शियस थे। यहाँ पर वो बड़े बड़े जो स्टोर हाउस हैं जहाँ पर सामान ला करके वो रखते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको शिप खड़े हुए देख सकते हैं जहाँ सामान आया और सीधे जो है जो गोदाम थे उसमें सामान वो रख देते थे। शहर कौन सा है? लोथल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेसिकली कुछ चीज़ें लोकली अवेलेबल थी, सेमी प्रेसी जो कुछ स्टोन्स जो है यहाँ लोकली अवेलेबल थी और दूसरा स्पेशली जो है मोस्ट ऑफ चीज़ें यहाँ बाहर से इंपोर्ट होती थी और सील और सीलिंग भी जो है यहाँ बड़ी अमाउंट में जो है मिले हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है एक वर्कशॉप मिला है। वर्कशॉप कैसे पहचानते थे? तो जहाँ पर जो है ढेर सारे टूल्स मिले हों, वेस्ट प्रोडक्ट्स मिले, सीधी सी बात अगर कोई चीज़ बन रही है तो वहाँ पर कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर स्टोन्स के टुकड़े बहुत ज़्यादा मिले हैं, हाफ मेड बीड्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं और फिनिश्ड बीड्स भी मिले हैं। तो इन सब चीज़ों से माना जाता है कि यहाँ पर कभी वर्कशॉप रहा होगा जैसे कि जो है ये सारी चीज़ें बनी हैं। अगेन सील फॉर सीलिंग कहानी आपको बता दी है कि क्योंकि वो जो है बहुत दूर दूर तक चीज़ों को ट्रेड कर रहे थे तो इस बात की पूरी संभावना थी कि जो बंदा सामान ले करके जा रहा है वो सामान कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसीलिए वो करते क्या थे, रस्सी से बांध देते थे और बांधने के बाद उस पर मिट्टी लगा करके उस पर जो है दबा करके निशान बना देते थे। यहाँ पर आप जो है एक देख सकते हो मिट्टी पर ऐसे निशान बनाया हुआ है, तो अगर ये निशान सेफ रह गया इट मीन्स कि सील नहीं टूटी है, मीन्स बैग सेफ है, बैग में कोई गड़बड़ी नहीं की गई, और अगर ये जो मिट्टी का निशान टूट जाता है तो इट मीन्स कि जो है बैग का सामान जो है गड़बड़ किया गया है। तो इसलिए जो सील है उससे हमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, लगभग 3900 ईयर्स एगो जो है यह सिविलाइजेशन जो है धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जो शहर जो है उनमें फॉल आना शुरू हो जाता है, राइटिंग सील्स वेट्स ये सारी चीज़ें कम होने लगती है। इससे पता चलता है ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे डाउन पड़ती चली गई थी। अब सवाल ये आता है कि एक महान सिविलाइजेशन जो कि जो है एक बड़े हिस्से पे थी, आप देख सकते हो कि जो सिविलाइजेशन का जो एरिया है वो लगभग जो है सिर्फ इतना पिक्चर में दिख रहा है, एक्चुअल में वो लगभग इतना बड़ा इलाका था अकेले इंडस सिविलाइजेशन का। तो इतने बड़े इलाके में एक बड़ी सी जो सिविलाइजेशन थी वो एक झटके में कैसे ख़त्म हो सकती है? तो अलग अलग लोगों ने इसके पीछे जो है अलग अलग रीज़न देने की कोशिश की है। कुछ लोग मानते हैं कि जो रिवर्स थी वो ड्राइड अप हो गई, मतलब सूख गई, ठीक, वहाँ की जो नदियाँ थी वो सूख गई, इसके कारण जब पानी नहीं रहा तो लोगों को वहाँ से शिफ्ट होना पड़ गया। ठीक, कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ, चूँकि पॉपुलेशन बढ़ी उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में जंगल काट दिए
जिसके कारण जो है वो पूरा एरिया सूख गया। ठीक, फ्यूल और दूसरे कारणों से ईंटें, चूँकि पूरा शहर ईंटों का बना हुआ था, तो ईंटें पकाने के लिए, मेटल पिघलाने के लिए और जो है फ्यूल के तौर पे इतनी लकड़ियाँ काटी कि जंगल सूख गए। इसका एविडेंस वो क्या देते हैं? ठीक है, देखो जिसने भी जो बात कही उसके पीछे एविडेंस जरूर दिया। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का काफ़ी सारा इलाका जो है राजस्थान में मिला है, और राजस्थान पूरा रेगिस्तान है। ठीक है, और आपको पता है कि जो भी पुराने शहर हैं वो जो है नदियों के किनारे बसे हैं, तो रेगिस्तान में तो कोई नदी थी नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं साहब यहाँ किसी ज़माने में सरस्वती नदी थी। ठीक है, तो सरस्वती नदी सूख गई तो सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, नंबर वन रीज़न। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं साहब उन्होंने जंगल काट दिए, ठीक है, जिसके कारण बारिश कम हो गई तो पानी ख़त्म हो गया, इस कारण सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, और यही वजह है कि थार डेजर्ट हमको दिख सकता है कि यह पूरा हिस्सा आज भी रेगिस्तान है। ठीक, अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब बाहर से अटैक होने शुरू हो गए थे, आर्यन सिविलाइजेशन थी, जो वैदिक लोग थे उन्होंने भारत पर अटैक किया, उन्होंने इन लोगों को मार डाला। एविडेंस क्या है कि कुछ जगहों पे कुछ डेड बॉडीज़ मिली हुई हैं, लेकिन अगेन उसके भी कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, क्योंकि लोग ये कहते हैं साहब अगर जो है डेड बॉडीज जो मिली हैं वो सारे एक पीरियड के नहीं हैं, अलग अलग पीरियड के हैं। ठीक है, तो अगर कहीं मारकाट हुई होती तो कहीं तो लड़ाई झगड़े के निशान मिले होते, कहीं तो वेपन्स मिले होते, बट इंडस सिविलाइजेशन में वेपन्स जो है नहीं के बराबर मिले हैं, जहाँ तक नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये रीज़न भी नहीं माना जा सकता। एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि जो रूलर्स थे उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया। सीधी सी बात है कि जब राजा का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो सारे लोग आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं और शहर जो है अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ये रीज़न जो है सबसे ज़्यादा जो है सॉलिड माना जाता है, जिसके कारण जो है जो इंडस सिविलाइजेशन थी वो लगभग ख़त्म होती गई, और उसके बाद लगभग 1400 साल तक जो है दोबारा कोई सिविलाइजेशन जो है डेवलप नहीं हो पाई। ठीक है, एक बार फिर से इन सारे रीजंस को शॉर्ट में देखने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़, कुछ लोग कहते हैं साहब बार बार फ्लड आ रही थी, तो फ्लड के कारण जो है लोग शहरों को शिफ्ट कर रहे थे। ठीक है, जो इंडस रिवर थी उसमें बार बार फ्लड आ रही थी, तो जिसके कारण शहर शिफ्ट हो रहे थे, तो ये एक रीज़न है। कुछ लोग कह रहे थे कि नदियों ने ट्रैक बदल दिया। ठीक है, एक तीसरा रीज़न था डिफॉरेस्ट्रेशन का। ठीक है, चौथा रीज़न था कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को जंगल लकड़ियों को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया कि इलाका सूख गया। कुछ लोग कहते हैं साहब आर्यंस ने अटैक किया, और कुछ लोग कहते हैं कि रूरल्स लॉस्ट कंट्रोल, जो उस इलाके के रूरल्स थे उनका कंट्रोल ख़त्म हो गया था, जिसके कारण अराजकता फैल गई, डिस्टर्बेंस बढ़ गया और सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, और इसी को सबसे ज़्यादा जो है वैलिड माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो उसके बाद जो है अगले जो है 1400 साल लग गए फिर कोई नई सिविलाइजेशन का डेवलप होने में, जब गंगा वैली में जो है जब मगध जो है डेवलप होता है, और जो है मौर्यन से जो है एम्पायर डेवलप होता है। जिस समय इंडस सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी उसी टाइम इजिप्ट में जो है एक और सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी। आपने जो है इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में पढ़ा था, एक बार जो है इनको भी देख लेते हैं, इजिप्ट है कहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जस्ट जो है जहाँ से अरब ज्वाइन होता है यहीं पर इजिप्ट जो है कंट्री है, जहाँ पर जो है ये इजिप्ट के पिरामिड जो है बनते हैं। आप एक फेमस नदी थी, हालांकि पूरा इजिप्ट जो है डेजर्ट इलाका है, लेकिन एक बहुत बड़ी नदी रही है नाइल, जिसके किनारे जो काफ़ी एग्रीकल्चर होते रहे, जिसके कारण ये कंट्री काफ़ी रिच रहा है। लगभग 5000 साल पहले जो है बड़े पावरफुल रूलर यहाँ पे रूल करते हैं, और जिन्होंने आसपास के इलाकों पर जिससे कब्जा किया और उससे काफ़ी कुछ इनकम जनरेट की। वहाँ से वो गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर और प्रेशियस स्टोन जो है लेकर के आए। आइवरी क्या है, तो बेसिकली हाथी दांत। ठीक है, इन्होंने जो है बहुत शानदार मकबरे बनाए। राजा लोग जब मर जाते थे तो उन्हीं के डेड बॉडी के ऊपर जो है अब बड़े शानदार जो है मकबरे बनाए गए। यूँ समझिए कि ये इतने ऊंचे बिल्डिंग्स हैं कि लगभग 4500 साल तक जो है इसके इनके टक्कर का कोई दूसरी जो है ऊंची बिल्डिंग नहीं बन पाई। जब भी वो लोग मरते थे तो उनकी बॉडी के ऊपर कुछ जो है अलग अलग तरह के मसाले लगा दिए जाते थे, जिससे कि उनके डेड बॉडी सड़े नहीं और उनको ममी जो है के तौर पे कवर अप कर दिया जाता, और उसके ऊपर भव्य जो है इमारतें, पिरामिड्स बनाए गए, और उनकी डेड बॉडीज़ को ममीज़ कहा गया। इनके बारे में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको अलग अलग सोर्सेज से, तो इस पर डिटेल में नहीं जा रहे। तो इसके साथ साथ जो है चूँकि वो मानते थे मरने के बाद भी जो है इंसानों को स्वर्ग में जो है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, इसके लिए वो काफ़ी सारा खाना, ज्वेलरी, यूटेंसिल, म्यूजिक आइटम्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो उनके साथ रख देते थे,
ताकि जो है इवन वेपन्स एनिमल्स ये सारी चीज़ें रख दी जाती थी, इवन कि कई बार उनके नौकरों को दफना दिया जाता था, ठीक है, कई बार जिंदा ही दफना दिया जाता था ताकि जो है उनको लगता था ये लोग मर करके स्वर्ग में भी जो है अपने राजाओं की सेवा करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये चीज़ें जो है उनके काम आती होंगी? बट उस दौर की मान्यताएं थी कि मरने के बाद भी जो है लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत रहती होगी, तो इसलिए वो इन चीज़ों को दफन करते थे। अब इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में जो है मरने के बाद ये सब चीज़ें यूज़ होती थी या नहीं? क्या जो है इजिप्ट के लोगों ने का ये करना कि जो है मरने के बाद लोगों को इतना सारा सामान दफनाना, वो सही था या गलत? तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आपका दिन।